अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आई एम योर उर्दू टीचर मिस समीना। आज हम उर्दू का वर्क करेंगे, ठीक है। आज हम हरूफ तहजीब का तीसरा हरूफ करेंगे, ठीक है। ओपन योर कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट। आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। इस कॉलम में आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। जिस दिन आप वर्क करेंगे उस दिन की तारीख डालेंगे, ठीक है बच्चों। अब सवाल पढ़ लेते हैं हम। पेंसिल फेरे और रंग भरे। आपको क्या करना है बच्चों? पेंसिल फेरना है और फिर रंग भरना है, ठीक है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इस पर आपको क्या करना है? रंग भरना है, यानी कि कलर करना है, ठीक है। आज हम हरूफ तहजीब का तीसरा हरूफ पढ़ रहे हैं। सब मेरे साथ मिलके पढ़े। पहले प प प प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प पत्ता। मेरे साथ पढ़िए सब। प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता। चले अब हम क्या करेंगे? पेंसिल, आप सबसे पहले पेंसिल जब आप यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि पेंसिल हमारी शॉर्प होनी चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा वर्क अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला नुक्ता नज़र आ रहा है बच्चों। इस नुक्ते पे आपको अपनी पेंसिल की नोक रखनी है और नुक्ते से नुक्ता मिलाकर आखिरी नुक्ते पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है। चलिए नुक्ते से नुक्ता मिला के नीचे आइए और आखिरी नुक्ते पे आके आपको अपनी पेंसिल को रोकना है, ठीक है। प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते। मेरे साथ पढ़िए सब। प प प प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता। अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन लाइन पे पेंसिल फेरने का कहा गया है, यानी आपको इन तीन लाइन पर पेंसिल फेरना है। और जब भी आप पेंसिल फेरेंगे साथ में बोलते भी जाएंगे, ठीक है। चले मेरे साथ स्टार्ट करें सब। प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता। प के नीचे तीन नुक्ते, 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 प पत्ता, प पत्ता, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है बच्चों। से क्या पढ़ेंगे हम? प प प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते। अब आपको क्या करना है बच्चों? हमारे पास जो तस्वीर दी गई है इसे हमें इसमें हमें रंग भरना है, ठीक है। हमें कलर करना है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आप कलर करेंगे कोशिश करना है आपको कलर आपका जो तस्वीर बनी हुई है उसी के ही अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाहर कलर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे आपको कलर करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा कलर करना है। जिसका कलर अच्छा हुआ उसे मैं स्टार दूंगी, ठीक है। सिर्फ कलर अच्छा नहीं करना है, हमें सारा काम ही अच्छा करना है। अपनी पेंसिल भी शॉर्प रखनी है और साफ सफाई से काम करना है, ठीक है। क्योंकि साफ काम सबको पसंद आता है ना बच्चों?
ये जिसमें मैं कलर कर रही हूँ उसका क्या नाम है, ये तस्वीर का क्या नाम है? बच्चों जल्दी से बताइए मुझे। पत्ता। वेरी गुड। वेरी गुड। नाउ टर्न योर पेज। पेज टर्न करें साहब। ओके अगेन राइट डाउन द डेट हियर। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, इस कॉलम में आपको तारीख लिखनी है। अब हम क्या करें प की बच्चों? खुश करती। क्या कर रहे हैं प की? खुश करती। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? देखिए यहाँ पर टीचर ने आपको आधे पेज में आपको पेंसिल फेरने का कहा गया है, तो आखिरी की जो 3 लाइन है उसमें आपको खुद से लिखना है। ठीक है, पहले आपको पेंसिल फेरना है, इसके बाद आपको 3 लाइन आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, डेट यहाँ मेंशन करनी है, तारीख यहाँ डालनी है। अब हम खुश करती स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी लिखेंगे हम पढ़ते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। अब तक सिर्फ मैंने आपको प से पत्ता ही पढ़ाया है। ठीक है, चले अब मेरे साथ पढ़िए सब और लिखिए। प के नीचे 3 नुक्ते। 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 प पत्ता। प पत्ता। प पत्ता। प पत्ता। अच्छा बच्चों ये देखिए जिससे मैं लिख रही हूँ इसे क्या कहते हैं? पेंसिल। और पेंसिल किससे आता है? पेज से आता है, प से आता है। तो मेरे साथ पढ़िए सब। प पेंसिल। प पेंसिल। प पेंसिल। प पेंसिल। प के नीचे 3 नुक्ते। शाबाश। प के नीचे 3 नुक्ते। प के नीचे 3 नुक्ते। प के नीचे 3 नुक्ते। प पत्ता। प पत्ता। प पत्ता। प पत्ता। और पास से एक और चीज क्या मैंने पढ़ाई है भी? प पेंसिल। प पेंसिल। प पेंसिल। प पेंसिल। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर सब पे पेंसिल फेर लिया है। अब बारी आती है खुद से लिखने की। ठीक है, अब खुद से कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर देखिए पीछे ने आपको एक नुक्ता लगा के दिया है। ठीक है, सबकी कॉपी में नुक्ता लगा हुआ है। शाबाश। चले इस नुक्ते पे आपको अपने पेंसिल की नोक रखनी है। जैसे अ यानी अलिफ, अ जैसे हम बनाते हैं वैसे ही अ बनाएंगे और आखिरी एंड में आके थोड़ा सा घूम जाना है। ठीक है, और प के नीचे 3 नुक्ते। 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 नुक्ते से स्टार्ट करना है और ऊंची लाइन में आके थोड़ा सा घूम जाना है। प के नीचे 3 नुक्ते। प के नीचे 3 नुक्ते। शाबाश। प। बोलिए मेरे साथ प। प के नीचे 3 नुक्ते। प पत्ता। प पेंसिल। प के नीचे 3 नुक्ते। प के नीचे 3 नुक्ते। ठीक है बच्चों, हमने कॉपी वर्क क्या किया आज?
क्या है हमने हरूफ तहजी का? प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प पत्ता। मेरे साथ पढ़िए सब, प पत्ता, प पत्ता। आपको एक पेज कॉपी का ये करना है और एक पेज आपको खुशखती करनी है, ठीक है। दो पेज आपको प के करने हैं, डेट यहाँ पर तारीख यहाँ पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बुक की तरफ, ओपन योर उर्दू बुक। ओके स्टूडेंट्स, आपने उर्दू की बुक निकाली सबने, शाबाश। नाउ ओपन योर उर्दू बुक जुगनू की, ठीक है। ओपन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट हेड। यहाँ पर तारीख का कॉलम दिया गया है, आपको यहाँ पर तारीख मेंशन करनी है, तारीख डालनी है, ठीक है। अब हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। पेंसिल फेरे और लिखिए। आपको क्या करना है बच्चों? पेंसिल फेरना है, ठीक है। और पेंसिल फेरने के बाद यहाँ पर तीन तस्वीरें उसे पढ़ना है, ठीक है, कि इससे क्या क्या चीजें आती है। इसके बाद नीचे आपको दो लाइन में पेंसिल फेरना है और एक लाइन आपको खुद से लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब मेरे साथ। देखिए यहाँ पर देखिए नुक्ता दिया गया है, यहाँ से पेंसिल फेरना शुरू करेगी और आखिरी नुक्ते पे आके रुक जाएगी। मेरे साथ पढ़े सब, पा के नीचे तीन नुक्ते, पा के नीचे तीन नुक्ते, पा के नीचे तीन नुक्ते, पा पंखा, पा पंखा, पा पंखा, पा पतंग, पा पतंग, पा पतंग, पा पतंग, पा प्याला, पा प्याला, ठीक है। एक मतलब फिर पढ़ लेते हैं। पा के नीचे तीन नुक्ते, पा पंखा, पा पतंग, पा प्याला। अब आपको क्या करना है, नीचे दो लाइन में पेंसिल भरना है और एक लाइन आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। प के नीचे तीन नुक्ते, 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 शाबाश। प के नीचे तीन नुक्ते, प पंखा, प पतंग, प प्याला, प पेंसिल, प पत्ता, प के नीचे तीन नुक्ते। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक लाइन आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसे? यहाँ पर आपको नुक्ता दिया गया है और उसी के ही बराबर में यहाँ पर एक एरो है, ठीक है। और एरो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। एरो का इशारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, यानी हमें अपने पेंसिल को नीचे ले आना है इस लाइन तक, ठीक है। ऐसे करके लाइन तक लाना है आपको और नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते। एरो पे कोई नहीं लिखेगा, एरो से एरो के बिल्कुल बराबर में ही लिखना है आपको। प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते। ये प थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसलिए मैं इसको रब कर रही हूँ। प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है बच्चों। आपका एक पेज कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप
आपको क्या करना है, पेज नंबर 5 पे आना है, ठीक है। पेज नंबर 5, सफा नंबर 5, ठीक है। अगेन राइट डाउन द डेट हियर, आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, तारीख कितनी है। आप सवाल पढ़ लेते हैं, प की चीज़ों से मिलाइए, यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारी तस्वीर है, इसमें से जो तस्वीर की शुरू की आवाज़ प की आ रही है उसे हम प से मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो प है उस पर हमें पेंसिल भी फेरना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेंसिल फेर लेती हूँ, प प प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते। सबसे पहली तस्वीर क्या है मेरे पास, पगड़ी, पगड़ी जो है पगड़ी। अब पगड़ी की शुरू की आवाज़ प से निकल रही है, इसे मैं प से मिलाऊंगी। अब मिलाते वक्त आपको क्या करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, इससे आपकी लाइन अच्छी ड्रॉ होगी, ठीक है, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तस्वीर क्या है मेरे पास बच्चों, टोकरी, टोकरी की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, नहीं किससे आ रही है, टोकरी, ट से आ रही है, तो हम इसे प से मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे, वेरी गुड। इसके नीचे क्या है मेरे पास, पर, और पर को देखिए शुरू पहले से ही प को प से मिलाया है, पर को प से पहले से ही मिलाया है, इसे हम पेंसिल से इसे मिलाएंगे, प से पर। अब एक आखिरी तस्वीर है मेरे पास, वो क्या है बच्चों, पेंसिल, और मैंने आपको भी पेंसिल पढ़ाया था, प से पेंसिल आता है बच्चों, पेंसिल की शुरू की आवाज़ किससे आ रही है, पेंसिल, प प पेंसिल, तो हम इसे प से मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास यहाँ पर तीन तस्वीर है जो इसकी शुरू की आवाज़ प से आ रही है, हम इसे प से मिलाएंगे। याद रखिएगा आपके बुक में जितनी भी पिक्चर है, जितनी भी तस्वीर है, इन सब में आपको रंग भी भरना है, ठीक है, इससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी, और बच्चों की कॉपी में जब कलरफुल कॉपीज होती है तो और भी अच्छी लगती है, ठीक है बच्चों। नाउ टर्न योर पेज, लास्ट पेज हमारा है प का, सफा नंबर 6, सफा नंबर 6, 6 सफा नंबर 6, 6 निकालिए। राइट डाउन द डेट हियर, आपको यहाँ पर तारीख मेंशन करनी है, तारीख लिखनी है, दायरा लगाइए, पेंसिल फेरे और लिखिए। यहाँ पर क्या बता रहा है सवाल हमें, इस सवाल में ये समझाया है कि आपको क्या करना है, तस्वीर जो है जिसकी शुरू की आवाज़ तस्वीर में प से आ रही है, जिस तस्वीर की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, उसमें आपने क्या करना है, दायरा लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पाँव, पाँव पे पहले से ही दायरा लगा हुआ है, इसका मतलब कि पाँव की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, तो इसलिए इस पर दायरा लगा हुआ है, ठीक है। अब उसी तस्वीर देखते हैं हम, पेंसिल, पेंसिल की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, तो हम इस पर भी दायरा लगाएंगे, और मैंने आपको पेंसिल पढ़ाया भी है, इसके लिए आपको याद होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चांद, चांद की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, नहीं तो हम इस तस्वीर को दायरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। टमाटर, टमाटर की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, नहीं तो हम इस पे दायरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी तस्वीर क्या है हमारे पास, पतंग, पतंग की शुरू की आवाज़ प से आ रही है, तो इसलिए हम पतंग पे दायरा लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, दो लाइन में पेंसिल फेरना है और बाकी लाइन आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। प के नीचे तीन नुक्ते, 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 प के नीचे तीन नुक्ते,
पाँव, प पेंसिल, प पतंग, प पता, प पंखा, प पंखा, प पर, प पगड़ी। प के नीचे तीन नुक्ते। आप एक लाइन आपको मैं लिख के दिखा रही हूँ, बाकी की दो लाइन आपको खुद से लिखती है। यहाँ पर नुक्ता दिया गया है, बराबर में एरो है, एरो बता रहा है हमें नीचे आना है, यानी अपने पेंसिल को नीचे ले आना है लाइन तक, ठीक है। प के नीचे तीन नुक्ते, 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 प के नीचे तीन नुक्ते। इसकी आवाज क्या होगी? प प प प के नीचे तीन नुक्ते, प के नीचे तीन नुक्ते, ठीक है। आखिरी की लाइन आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका उर्फी तेजिका दिशा उर्फ प। इसमें आपको क्या करना है, कॉपी के दो पेज करने हैं और बुक के तीन पेज करने हैं, ठीक है बच्चों। और हर पेज में तस्वीर दी गई है, तो हर पेज की तस्वीर में आपको रंग भी भरना है, ठीक है। चले, आज का आपका कॉपी वर्क और बुक का वर्क आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये काम करने के बाद इसकी तस्वीर आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। जब हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है 11 to 12, तब आपको इसकी तस्वीर अपलोड करनी है, यानी तस्वीर मुझे भेजनी है। मैं आपका वर्क चेक करूँगी, ठीक है। जिसका वर्क अच्छा होगा उसे मैं स्टार भी दूँगी, अप्रिशिएट भी करूँगी, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।